आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर ग्रामर लेकर आए हैं। नाम उसका आइदर और नाइदर नॉर। अब ये पढ़ाने के पहले बताने के पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब इसे हम इधर और पढ़ें, नीदर नॉर पढ़ें या आइदर नाइदर पढ़ें, नहीं आप कंफ्यूज मत होइए। ब्रिटिश जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहां पर इसको आइदर नाइदर पढ़ते हैं, और यूएसए या अमेरिकन इंग्लिश में इसको इधर नीदर पढ़ते हैं। अच्छा तो होगा आप आइदर और नाइदर यूज करें, अगर नहीं चाहते नो प्रॉब्लम आप करते रहिए, हम दोनों यूज करते हैं, धड़ल्ले से यूज करते हैं, इसलिए इधर आइदर नीदर नाइदर में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए यह इधर और नीदर नॉर इसका यूज करने के लिए डेली लाइफ में हम जब बोलते हैं, कहीं पर स्पीकिंग करनी होती है, कहीं कुछ बोलना होता है, तब भी इसका भरपूर यूज होता है, और लिखने में यूज होता है। अब प्लस उसके साथ साथ में अभी जो एग्जाम आने वाला है 10th और 12th का बोर्ड का, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, पहले हम इसको जनरल बताएंगे कैसे यूज करते हैं बोलने की भाषा में, और लास्ट में इसको हम इंग्लिश में एग्जाम में पेपर में इसका आंसर कैसे लिख करके पूरा नंबर पा लें वो बात मैं आपको वीडियो के लास्ट बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा अगर समझना है तो। और ध्यान सुनिए, यह वीडियो देखने के बाद में पूरी लाइफ के लिए, चाहे वो स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या फिर आपका एग्जाम हो, इधर और निधर नॉर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए आज समाप्त होने वाली है इस वीडियो में। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आइदर और इसका मतलब होता है या तो मैं या तो आप, या तो चौक या तो डस्टर, बराबर है। और नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये और ना फिर वो, ना तो मैं ना तो आप, इस प्रकार का यूज करते हैं। जरा देखते हैं इसका यूज हम कैसे, अगर मान लो आपको दो सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हुए हैं, आपको इसमें कंबाइन करना है, आपको इसको जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ेंगे इसको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर एक देखिए, यहां पर राहुल विल स्टडी हिंदी, सुमित विल स्टडी हिंदी। अब इसको हमें कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक बनाना है, और जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाते हैं या दो वर्ड्स को एक में जोड़ते हैं उसके लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। इसका मतलब ये तो कंजक्शन हुआ भाई, और कंजक्शन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आइए फिर देखते हैं कैसे यूज करते हैं। उस कंजक्शन की वीडियो में हमने ढेर सारे कंजक्शन का उपयोग किया था, लेकिन आज सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। राहुल विल स्टडी हिंदी, सुमित विल स्टडी हिंदी, अगर इसको सिर्फ कंबाइन करने को कहा जाता है तो आप कंबाइन कई तरीके से कर सकते हैं, एंड का भी यूज कर सकते हैं और इधर और का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज हम आइदर और पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इसका यूज करेंगे। अब ध्यान ये देना, सेंटेंस में ये है सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें सुमित सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कभी भी हम जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाते हैं, तो एक नियम यहां पर काम करता है, ध्यान रखना, कभी भी एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार यूज नहीं किए जाते हैं। हां रह गई बात, ये डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं लेकिन वह ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, वो सही नहीं होता है, इसलिए ध्यान ये देना जोड़ने में इसको, जब भी इसे आप कंबाइन करेंगे जो जो चीजें रिपीट हुई है, जो जो चीजें रिपीट हुई है उसको आप एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं, ये है विल स्टडी हिंदी, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम देखने वाले नहीं है। अब देखना कौन कौन सा चीज है जो सेम है, सब्जेक्ट अलग अलग है, राहुल यहां सुमित, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट हैं, इसी के साथ हमको यूज करना होगा आइदर और, ठीक है। तो कदम सिंपल की बात, बहुत सिंपल बात है, पहले सब्जेक्ट के साथ में आप आइदर लगा लेंगे, दूसरे वाले के साथ में नाइदर और लगा लेंगे। अभी आंसर देखिए, आइदर राहुल और सुमित विल
स्टडी हिंदी। अब ध्यान ये देना, आइदर और लगाए कहां, जो चीजें किसी सेंटेंस में अलग अलग हो, डिफरेंट हो, माने सब्जेक्ट अगर दो है, अलग अलग है, एक में सुमित है एक में राहुल है, तो हम इन दोनों को लेंगे तो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के पहले हम आइदर लगाएंगे, दूसरे वाले के पहले और लगाएंगे। अच्छा, और ये जो रिपीट हो रहा है विल स्टडी हिंदी, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अब एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर आई विल गो, यू विल गो, यहां भी विल गो इस सेम है, क्या बचा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो क्या होगा यहां पर आइदर, आइदर आई और यू विल गो, ये हो गया। इसमें भी वही है सीमा लता, बाकी ये सेम। अभी एक एग्जांपल मैं ऐसा लूंगा जहां पर सब्जेक्ट सेम रहेगा बाकी और कोई अलग रहेगा, ये देखना। राहुल विल राइट, राहुल विल रीड, ध्यान देना। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, रिपीट क्या हुआ है इसमें, रिपीट हुआ है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो क्या रिपीट नहीं हुआ है, अलग अलग क्या है, वर्ब अलग है, यहां राइट है यहां पर रीड है, इसका मतलब आप पक्का कंफर्म कर लीजिए पहले ही, जब भी आइदर और का यूज करेंगे तो आप इन्हीं दोनों के साथ हम करेंगे और कहीं नहीं होगा। अब देखना कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट राहुल, हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल, राहुल विल अब राइट, रीड बचा है आइदर, आइदर राइट और रीड, इस प्रकार से आप आइदर और का यूज अलग अलग वाक्यों में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम अगला कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें नाइदर नॉर का यूज बताएंगे और फिर आपको वह सेंटेंस बताएंगे जो आपके एग्जाम में इस वर्ष आने वाला है। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें हम लोग नाइदर नॉर पढ़ेंगे। नाइदर नॉर का मतलब होता ना तो ये ना तो वो, ना तो यहां ना तो वहां, ना तो मैं ना तो आप, ठीक है। लेकिन यूज करने के पहले आप ध्यान से देख लेना, नाइदर जो लिखा गया ना इसमें दो वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है। नाइदर का मतलब होता है नॉट आइदर, मतलब इसमें आइदर भी है जो आप पढ़ चुके हैं और एक नया वर्ड नॉट आ गया, और नॉर का मतलब होता है नॉट और, इसका मतलब जब भी आप नाइदर यूज कर रहे हैं नॉर यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस दिखने में भले ही आपको अफर्मेटिव दिख रहा हो लेकिन एक्चुअली उसकी मीनिंग होती है नेगेटिव में, क्योंकि उसमें नॉट छिपा होता है, इन दोनों शब्दों में दो बार नॉट यहां पर आ गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे आपने आइदर और का यूज किया है वैसे ही नाइदर नॉर का यूज करके इसको कंबाइन करेंगे। अब सेंटेंस देखना और ध्यान देना, नाइदर नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंसों को ही जोड़ने के काम में आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसको जोड़ने के लिए आप आइदर और करते हैं और नेगेटिव को जोड़ने के लिए नाइदर नॉर करते हैं। अब ये देखना, कमल हैड नॉट सीन द ताज, ये नेगेटिव सेंटेंस है, कमल हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट। अब इसमें कौन कौन सी चीज रिपीट हुई है, सब्जेक्ट देखना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और सीन सी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो आपका है ये ही अलग अलग है, इसका मतलब नाइदर नॉर का यूज आप फिक्स कर लीजिए, जो चीजें एकदम हूबहू सेम टू सेम है, रिपीट हुई है, उनको तो आप निकाल देंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। नाइदर नॉर कहां लगाएंगे, जो चीजें रिपीट नहीं हुई है, टोटली डिफरेंट है, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, क्यों, यहां द ताज है यहां द रेड फोर्ट है। अब आप इतना फिक्स कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए कि आपका नाइदर नॉर इन्हीं के पहले लगने वाला है, पहला जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसके पहले आप नाइदर लगा देंगे और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए नॉर लगा देंगे। अब यहां देखना, पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट कमल हैड, अब जरा एक मिनट रुकिएगा, हैड नॉट सीन, हो गया। अब यहां लगाएंगे नाइदर, नाइदर
द ताज नॉर द रेड फोर्ट। अब ध्यान यहां पर देना, आप समझ जाएंगे। यहां पर कमल है नॉट सीन नाइदर द ताज नॉर रेड फोर्ट। अब आप ये बताइए, इसमें तो नॉट हिडन है ना, इसमें भी नॉट हिडन है, तो हम इसको क्यों लगा के बैठे भाई। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस में नाइदर नॉर का यूज करने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना उसमें ऑलरेडी जो पहले से नॉट आया हुआ है वो आप नहीं लिखेंगे। अगर उसको भी लिख देते हैं तो आप ये जो मीनिंग है वह सही नहीं होगी और वह आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमने गलती कहां पर करी, आप समझ गए होंगे। ये नॉट हमको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि नॉट के बदले में नाइदर आया, नॉट आइदर, नॉट ऑन आ गया ना। तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में जब भी आप नाइदर नॉर लगाएंगे उस सेंटेंस में नॉट भूल करके भी मत लिखना, नहीं तो वो सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स हो जाएगा। आप देख लिए आंसर, कमल हैड नॉट सीन द ताज, कमल हैड नॉट सीन द कोर्ट। इसमें कौन सी चीज जो रिपीट नहीं हुई है, कौन सी चीज जो रिपीट हुई है, जो रिपीट हुई है उसे सिर्फ एक बार लिखना और जो रिपीट नहीं हुई है उसी के अगल बगल आपको लगाना है नाइदर नॉट। कौन सा रिपीट नहीं हुआ है? ऑब्जेक्ट पहले में द ताज है, दूसरे में द रेड फोर्ट है। इसका मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले आप नाइदर लगा देंगे और दूसरे वाले में नॉर लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा कमल है सीन नाइदर द ताज नॉर रेड फोर्ट। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और मैं चेंज करके आप बताता हूं और अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखना, यहां रोहित किया, यहां पर द ताज किया। आप देखिए यहां पर क्या सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। इसका मतलब आप इसे एक ही बार लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। सीन सेम है, एक बार लेंगे, नॉट तो निकल ही जाएगा, हैड तो निकल ही जाएगा, एक बार रहेगा। अब अलग अलग क्या आया, पहले का सब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, कमल है, और दूसरे का रोहित है, बराबर है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखना, पहले लिखेंगे हाँ। अब जब ये आपको अलग अलग है तो आप दिमाग बैठा लीजिए नाइदर नॉर इन्हीं के लिए यूज होगा जो अलग अलग आए हुए हैं। इसका अर्थ हो जाएगा नाइदर कमल नॉर रोहित, नाइदर कमल नॉर रोहित, नाइदर कमल नॉर रोहित हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया, फिर ले लो सब हेल्पिंग और ले लो हेड। अब ये नहीं रहेगा, नॉट निकल जाएगा, नॉट निकल जाएगा, सीन एक बार हो जाएगा, द ताज। ये आपका आंसर हो गया नाइदर नॉर का। बात समझ में आ गई ना? लेकिन अब एक चीज आओ अब बता दूं, कभी कभी यहां नेगेटिव सेंटेंस में जब आपको डू डज डिड आएगा, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ता है। जिस देखो, शी डिड नॉट गो, शी डिड नॉट कॉल मी। देखिए, सी डिड नॉट गो, सी डिड नॉट स्टडी। अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर क्या क्या रिपीट हुआ है। सी रिपीट हुआ है, ये नहीं लेंगे। डिड रिपीट हुआ है, ये नहीं लेंगे। और स्टडी यहां पर है, वर्ब अलग है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, अलग है। यही आपका यहां पर रहेगा। अब इसी में आप नाइदर नॉर लगाएंगे क्योंकि जो रिपीट नहीं हुआ है, माने पहले वर्ब के पहले नाइदर, दूसरे वाले सेंटेंस के वर्ब में पहले नॉर लगा देंगे। अब ऐसा देखना, सी, अब एक बात ध्यान देना, अगर यहां पर और कोई हेल्पिंग वर्ब होता था तो हम लोग केवल नॉट निकाल करके इसको ले लिया करते थे। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पर डू डज डिड होगा, ध्यान रखना डू डज डिड, तो आप नॉट अगर हटाएंगे वो भी हट जाएगा।
अगर डू रहेगा तो नॉट हटेगा, डू हटेगा, बाकी पूरा लिखना। और अगर यहां पर डज नॉट है, नॉट आप हटाएंगे तो डज भी हटाएंगे, लेकिन वर्ब में आपको यस या यस करना पड़ेगा। और अगर यहां पर डिड है तो नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा, लेकिन वर्ब उस समय आपका सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। ये देखना जो सी माने आपको ये लेना नहीं है तो ये आएगा नहीं। अब यहां पर सी नाइदर क्या हो जाएगा, वेंट, सी नाइदर वेंट, अब ये तो निकल गया, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। नॉर स्टडीड, नॉर स्टडीड, जरा यहां पर ये ध्यान आप देना यहां पर, क्योंकि यहां पर डू डज रहने पर ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने दो सेंटेंसेस जोड़ लिया। अब आइए हम अगले कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसमें ये पता करते हैं आपके एग्जाम में सेंटेंस कैसे, आपके एग्जाम में मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते हैं, ये सिर्फ आप अपने जानकारी के लिए रखते हैं, बोलने के लिए, लिखने के लिए रखते हैं। एग्जाम में कैसे सेंटेंस आते हैं वो हम आपको आइए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, सेंटेंस कैसा होगा और आप उसे यूज कैसे करेंगे। अब इन चार सेंटेंसेस के माध्यम से, चार वाक्यों की सहायता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको लिखना कैसे होगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। देखना यहां पर फोर सेंटेंसेस हैं और सब में आपको नाइदर नॉर करना है, सब में नाइदर नॉर का यूज करना है। तो जब भी नाइदर नॉर आपको यूज करने को आएगा, देखिए ये सेंटेंस कंबाइन नहीं करते हैं, अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया था आइदर और या नाइदर नॉर की सहायता से, लेकिन अभी हम लोग सेंटेंस को कंबाइन नहीं करेंगे, बल्कि ऑलरेडी ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, इसमें हमें नाइदर नॉर का यूज करना है। अब ध्यान ये देना, जब भी नाइदर नॉर का यूज करने को आपके सेंटेंस में आएगा, आपके सेंटेंस में ध्यान रखना, आपके सेंटेंस में या तो और या तो एंड, ये रहेगा 100% रहेगा अगर कंबाइन नहीं करने को आया तो। जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो आप फिक्स कर लीजिए 100%, जहां पर और है वहीं पर आप नॉर करेंगे। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, ऐसे सेंटेंसेस में आपको और या एंड 100% रहेगा, तो जहां पर एंड है या जहां पर और है वहां पर आप क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे, इतना कर लेना। अब उसके बाद देखना, ध्यान देना, यहां पे नॉर आपने लगा लिया तो आप जरा देखिए नॉर के बाद, नॉर के जस्ट आफ्टर कौन सा शब्द है, जो भी शब्द होगा वो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो भी होगा उस कैटेगरी का एक वर्ब आपको बैक साइड में पीछे भी मिलेगा। तो जब आपने इस वर्ड के पहले नॉर लगाया है उसी कैटेगरी का जो वर्ड आपको पीछे मिलेगा उसमें आप नाइदर लगा देंगे। एग्जाम्पल समझिए, आप समझ में आ जाएगा। दे कैन नॉट रीड और राइट द इंग्लिश, अब आपको यहां पर और मिल गया पक्का, और जब मिल गया तो मतलब ये नॉर का प्लेस है, आप यहां पर नॉर कर डालिए। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं नॉर, और को निकाल करके ध्यान रखना, और निकाल करके, अब नॉर के बाद जो वर्ड ये है, वर्ड नॉट वर्ड, वर्ड जो है पहचानिए क्या है, राइट, लिखना, एक क्रियापद है, एक वर्ब है। जब नॉर के बाद में क्रियापद मिलता है तो 100% है कि सेंटेंस में पीछे भी मिलेगा एक क्रियापद, तो जहां मिलेगा क्रियापद आप वहीं पर नाइदर लगा के हट जाइए, नंबर आपको मिल गया। अब देखिए कहां क्रिया, ये देखो ये रीड, तो आंसर क्या होगा, अब आंसर आप नाइदर नॉट जब लगा रहे हैं पहले बता दिया नॉट आपको हटाना पड़ेगा तो नॉट हट जाएगा, क्यों जाएगा, दे कैन, नॉट तो निकाल दिए क्योंकि नाइदर नॉट लगा रहे हैं, नाइदर रीड, अब यहां पर नॉर, नॉर राइट द इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब जरा इसकी मीनिंग देख लेते हैं समझ आ जाएगा, पहले बोला गया था दे कैन नॉट रीड और राइट द इंग्लिश, वे अंग्रेजी न तो पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, इसकी मीनिंग यहां है ना, वे अंग्रेजी न तो पढ़ सकते हैं या न लिख सकते हैं। अब वही मीनिंग यहां पर आ गई, दे कैन नाइदर रीड, वे न तो पढ़ सकते हैं न तो लिख सकते हैं क्या इंग्लिश, बात समझ आई ना। तो जब भी आप नाइदर नॉट लगाएंगे नॉट निकाल देंगे, सेंटेंस नंबर दो देखिए,
पूजा हैड कॉल्ड मी और हर, पूजा हैड कॉल्ड मी, एक मिनट यहां पर नॉट रहेगा, पूजा हैड नॉट कॉल्ड मी आर हर। अब इसमें देखिए आपको नॉर यहां मिल गया, नॉर के बाद क्या है, हर है, हर क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट का हर मी, यहां पर नाइदर हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। अब नॉट निकाल लिखो, पूजा हैड कॉल्ड नाइदर मी नॉर हर, आंसर हो गया आपका। अब जरा आप सेकंड थर्ड और फोर्थ देखेंगे, थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि इसमें आप में नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, फिर भी आपको नाइदर नॉर लगाना है, तो कैसे करेंगे, उसमें कुछ आपको समझना पड़ेगा, कुछ इश्यूज है, कुछ चेंज करना पड़ेगा, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना। आपके इंग्लिश में जब भी कोई ग्रामर आता है उसमें उसका मतलब होता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज वॉइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, जब भी आप चेंज करते हैं देखना कि जो मीनिंग चेंज करने के पहले थी वही मीनिंग बाद में भी होनी चाहिए, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाता है। ये देखिए, केतन हैड लेफ्ट हिज रूम विदाउट बैग और मनी, केतन ने अपना रूम छोड़ दिया बिना अपने बैग या पैसे के, ठीक है। अब इसमें जब और मिल गया तो आपको तो मिल गया मसाला, यहां भाई और तो हमें चाहिए था और हमको मिल गया, हम यहां लगा देंगे नॉर। ये देखो, अब जब आप वहां पर नॉर नॉर लग गया ना, तो अब ये देखो नॉर बात क्या है, मनी पैसा, और यहां क्या बैग, तो बैग के पहले आपका नाइदर लग जाएगा, तो केतन हैड लेफ्ट हिज रूम विदाउट नाइदर बैग नॉर मनी। अब अगर हम ऐसा कहते हैं मीनिंग में चेंज आ जाएगा, मीनिंग चेंज होने से हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो हम मीनिंग चेंज करें कैसे करें, ये देखना, केतन हैड लेफ्ट हिज रूम, ये जो विदाउट है ना, मीनिंग चेंज करने के लिए, मीनिंग उसी में रखने के लिए, सेंटेंस चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे विथ, ये देखना। अब आपका आंसर हो जाएगा केतन हैड लेफ्ट हिज रूम विथ नाइदर मनी नॉट बैग, नाइदर बैग नॉट मनी, बात समझ आ गई, इस तरह से ध्यान देना। अब एक और देख लेना, कविता कैन गो विथ रोहित और रमा, अब आपको तो ये मिल गया, यहां पर नॉर मिल गया, रमा के पहले रोहित के पहले नाइदर मिल गया, लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो मीनिंग चेंज हो रही, क्योंकि इसमें नॉट तो है नहीं, अगर नॉट पहले से होता नॉट निकाल देते, और नॉट निकाल देते तो हमारे मीनिंग सेम रहती, ठीक है, लेकिन यहां नॉट था नहीं, हमने निकालने कोई मौका नहीं मिला, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगी दिक्कत, हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या करेंगे, इसको चेंज कर लो ना, विथ विदाउट कर लो, कविता कैन गो विदाउट नाइदर रोहित नॉर नमन, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये नाइदर नॉर का जो चैप्टर था, ग्रामर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस आपके जो एग्जाम देने जा रहे हैं अगले हफ्ते में या अगले 10 दिन के अंदर होने वाला है, उसमें ये ग्रामर आपको 100% मिलता है। अब आप इसका नंबर पा जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, आप सीख लिए, तो अब उसके बदले में आप सिर्फ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ मैटर को लेकर के, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.